हेलो एवरीवन सो दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड वी आर सॉल्विंग ऑफ क्वेश्ची सो हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चशीट का एक फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था काफी सारे नए पॉइंट्स उसमें हमने सॉल्व किए थे सो टुडे सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर न्यू पॉइंट्स एंड सेम वैरायटी वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे सो दैट आपका थोड़ा और प्रैक्टिस हो सके एंड द लेवल इज वी हैव ओनली

plus direct expenses fine right? second point is works cost so how do we get works cost prime cost plus factory overheads then number 3 is cost of production so how do we get cost of production the works cost plus office overheads तो ये कुछ बेसिक्स है आपको ध्यान रखना है ये अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओके फिफ्थ पॉइंट सेल्स तो हाउ डू वी गेट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट दैट इज द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट शीट सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द पॉइंट विच पॉइंट यू आर गु एड एंड अकॉर्डिंगली विल गेट देंसर्स फॉर द क्वेश्चन सो लेट एस चेक देर आर मेनी पॉइंट्स गिवन ओवर हि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स परचेज ड्राॅइंग ऑफ इज सैलरीज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कैरेज इनवर्ड कैश डिस्काउंट रिपेयर बहुत सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में है पहले हम क्या करने वाले हैं पहले हम एडजस्टमेंट को देखेंगे आउट ऑफ फोर्टी एट आवर्स इन अ वीक मैनेजर डिवोर्स फोर्टी आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड एट आवर्स फॉर ऑफिस तो ये सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया था वैसा एडजस्टमेंट है थोड़ा अलग तरीके से तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है एडजस्टमेंट है मैनेजर के ऊपर सो मैनेजर सैलरी यहां पे पॉइंट दिख रहा है आपको सो so ये जो मैनेजर सैलरी है इसको हम क्या करेंगे इसको हम एक मार्किंग करके रखेंगे ताकि हमें बाद में याद आए कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया है नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड इज मैनेजमेंट एज फिक्स द सेलिंग प्राइस एट द रेट हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट सो ये हमने वन ट्वेंटी परसेंट का एडजस्टमेंट सीखा था यहां पर सिर्फ परसेंटेज अलग दिया है तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से बाइफरकेट करना है हमने सीखा था फैक्ट्री के लिए हम क्या लिखेंगे एफ ऑफिस के लिए वी विल राइट ओ एंड फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू राइट एस ठीक है और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम कुछ नहीं लिखे सो फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल परचेस नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग ऑफिस तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का इसको मार्क करके रखना बिकॉज दिस पॉइंट यूल कमिट सिली मिस्टेक यहां पे दिया है ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज सो ऑफिस वर्ड देख के इसको आप ऑफिस में लिखोगे बट दिस इज रॉन्ग ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट तो इसीलिए ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी फैक्ट्री में जाएगा ये ध्यान रखना ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज रिलेटेड विथ फैक्ट्री एंड काउंटिंग हाउस सैलरीज दैट विल बी रिलेटेड विथ ऑफिस तो यहां पे काउंटिंग हाउस सैलरीज नहीं है लेकिन वो ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ध्यान रखना है पॉइंट नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड जो हमने कल किया था पिछले सेशन में हमने उसमें ले, ले लिया है पॉइंट वो कैश डिस्काउंट अलाउड सो कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल आइटम सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉस्ट ऑल फाइनेंशियल आइटम्स आर इग्नोर्ड आर टू बी इग्नोर अभी फाइनेंशियल आइटम्स कौन से होंगे

रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस तो ये तो ऑफिस में ऑफिस कन्वेन्स तो ऑफिस सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन दैट विल बी सेलिंग प्रोडक्टिव वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस इज नथिंग बट प्रोडक्टिव वेजेस का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट वेजेस डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर इज ऑफिस नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स फीस तो डायरेक्टर्स फीस है आपका ऑफिस नेक्स्ट गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री गैस ऑफिस तो ऑफिस दे दिया है मैनेजर सैलरी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा कुछ पार्ट हमारा फैक्ट्री है कुछ पार्ट हमारा ऑफिस है जो हम एडजस्टमेंट से फॉलो करेंगे कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स प्रिंटिंग दिस विल बी फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लूज टूल्स रिटर्न ऑफ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट लूज टूल्स रिटर्न ऑफ विल बी फैक्ट्री ट्रेड फेयर एक्सपेंसिस इज सेलिंग सो so, इस क्वेश्चन में जो भी नए पॉइंट आपको लग रहे हैं और जो नए पॉइंट आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में एंड यू फाइंड दैट पॉइंट एज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ट्राई टू नोट इट इन योर बुक सो दैट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम यू कैन रिवाइज दोज पॉइंट्स ताकि आपका सिली मिस्टेक्स नहीं हो सो so, अभी हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे सो so, फॉर्मेटिंग में फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में जाएंगे ऑफिस के ऑफिस में सेलिंग के सेलिंग में सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ रॉ मटीरियल्स परचेजिस कैरेज इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक सो फॉर्मैटिंग मैंने कर दिया है उस बेसिस पे आई एम प्रेजेंटिंग सो जो आपके पास शीट अवेलेबल है पीडीएफ में से जो आपने डाउनलोड किया होगा उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं सो ओपनिंग स्टॉक विल बी दॉ मटेरियल्स दी अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज टू लैख सेवेंटी थाउजेंड परचेजेस अमाउंट इज ट्वेल्व लैख फोर्टी एट थाउजेंड कैरेज इनवर्ड इज गिवन टू यू एस फोर्टी एट थाउजेंड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स इज गिवन टू यू एस थ्री लैक्स तो हमने सीखा था जिसको माइनस करना है उसे ब्रैकेट डालना है एक बार चेक कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स इज सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज लैक्स थर्टी फाइव थाउजेंड हम परचेजेस को प्लस करेंगे उसमें परचेजेस इज गिवन टू यू एज इनवर्ड भी आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है कैरेज इनवर्ड इज फोर्टी वन थाउजेंड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो जिसको माइनस करना है उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है लेट अस चेक वंस द अमाउंट इन द क्वेश्चन तो फर्स्ट लाइन में ही है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स इज टू लैख थर्टी फाइव क्लोजिंग स्टॉक इज टू लैख फिफ्टी रॉ मटेरियल्स परचेज इज गिवन टू यू एज टेन लैक फोर्टी कैरेज इनवर्ड इज फोर्टी वन थाउजेंड सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस एंड डिडक्टिंग टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हमें जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड तो उसको अभी हम आउटर में लिखेंगे एंड दैट विल बी टेन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टेन लैक सिक्सटी सिक्स थाउजेंड मैंने आउटर में लिखा है इसको हम नाम लिख सकते हैं इसके लिए अगर ना आपको नाम देना है तो इज डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट वी आर एडिंग तो ये जो point है हमारा फर्स्ट दिस इज डायरेक्ट मटीरियल सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट वेजेस सो डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस या लेबर देखते हैं आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस के बारे में तो डायरेक्ट वेजेस ये काफी नीचे दिया हुआ पॉइंट है डायरेक्ट वेजेस ट इज प्रोडक्टिव वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस अमाउंट कितना है सेवन लैक्स दिया हुआ है सो सेवन लैक्स लिखेंगे अभी डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं इसको बिकॉज हमारे पास ये एक ही अमाउंट अवेलेबल दैट इज सेवन लैक्स फाइन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा कौन सा पॉइंट है रॉयल्टी रॉयल्टी इज गिवन टू यू एज सेवेंटी थाउजेंड सो रॉयल्टी भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे ही हमें तीन पॉइंट्स मिले तो क्या था हमारा फॉर्मेट डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सो आपको आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट टेन लैख सिक्स प्लस सेवन लैक्स प्लस दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट एंड द प्राइम कॉस्ट कम्स टू एटीन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड सो आपको प्राइम कॉस्ट मिला एटीन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड उसके बाद नेक्स्ट हेड इज एड फैक्ट्री ओवर सो फैक्ट्री ओवर ऑलरेडी हमने बाइफरकेट कर लिया है जितने भी पॉइंट एफ लिखा है वो सारे हम लिखेंगे जैसे रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस देन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी गैस वाटर चार्जेस देन लूज टूल्स रिटर्न ऑफ और ये मैनेजर सैलरी को हमें डिवाइड करना है पहले मैनेजर सैलरी को डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो भी एक बार कैलकुलेशन आपको समझ में आए मैनेजर्स का सैलरी दिया है सिक्सटी थाउजेंड इन क्वेश्चन सो मैनेजर सैलरी इज गिवन टू यू एस सिक्सटी थाउजेंड उसके बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट दिया है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नंबर वन इज फैक्ट्री एंड नंबर सेकेंड इज ऑफिस आउट ऑफ फोर्टी एट आवर्स इन वीक मैनेजर डिवोर्ट्स फोर्टी आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड एट आवर्स फॉर ऑफिस तो फोर्टी आवर्स ही फॉर फैक्ट्री एंड रिमेनिंग एट आवर्स इज डिवोटिंग फॉर ऑफिस टोटल आवर्स कितने फोर्टी एट आवर्स है तो अभी हमें क्या करना है सिक्सटी थाउजेंड को फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड करना है तो हाउ कैन वी डिवाइडी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर्टी एट तो ये आपको फैक्ट्री का आंसर मिलेगा सो सिक्सटी थाउजेंड इन फोर्टी डिवाइड बाय फोर्टी एट दैट कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड सो आउट ऑफ सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड विल बी मैनेजर सैलरी फॉर फैक्ट्री एंड रिमेनिंग टेन थाउजेंड विल बी फॉर ऑफिस सो so, बाकी का जो 10000 है हम ऑफिस में लिखेंगे 60000 में से ये दो पार्ट्स हमने डिवाइड करने हैं अब देखते हैं एक-एक पॉइंट लिखेंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरीज प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री रेंट सारे एक-एक करके पॉइंट लिखते जाएंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरीज अमाउंट इज 48000 फिर हम चेक कर लेंगे एक बार क्वेश्चन में से रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट इज 53000 ओके फैक्ट्री रेंट अमाउंट इज 15,000. Depreciation on plant and machinery amount is 35,500. Gas water charges amount is 7,500. Manager salary, which we have calculated now, the amount is 50,000. Loose tools written off the amount is 8,000. सो ऑल दिस माउंट विच हैव ऑलरेडी बाइफरकेटेड इसलिए आपको पहले ही क्वेश्चन में फैक्ट्री के खर्चे ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के एक्सपेंसेस को अलग अलग कर देना है ताकि सॉल्विंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो अब हमें क्या करना है वी हैव टू ऑल ऑल दिस द फैक्ट्री ओवर वी आर टेकिंग अ टोटल दैट विल बी टोटल फैक्ट्री ओवर हेड्स तो इसका आंसर हमें मिलेगा ये सबको हमें प्लस करना है सो वी विल गेट द आंसर एज टू लैक

प्लस फैक्ट्री ओवर हेड्स यू विल गेट वर्क नाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑल द पॉइंट ऑफ ऑफिस जहां जहां आपने ओ लिखा है वो सारे पॉइंट एक एक करके हम लिखेंगे तो जैसे कि रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस कन्वियंस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर डायरेक्टर्स फीस सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लिखेंगे ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस सो ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस इज एट थाउजेंड ऑफिस कन्वियंस इज फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज थ्री थाउजेंड डायरेक्टर्स फीस इज थर्टी थाउजेंड गैस वाटर चार्जेस इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जो मैनेजर का सैलरी है फैक्ट्री का तो हमने लिख लिया अब ऑफिस का है टेन थाउजेंड अगेन आपको क्या करना है अगेन वी हैव टू एड ऑल दिस ये सबको एड करना है

आगे के पॉइंट्स को देखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे क्वेश्चन में नहीं था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो हमें सेम आंसर मिलेगा दैट विल बी ट्वेंटी वन लैक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड दिस इज योअर सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सो कॉस्ट ऑफ सोल्ड इज अवर पार्ट एंड इट वॉज सिमिलर सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉट गिवन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिस्ट गुड्स इज ऑल्सो नॉट गिवन फर्दर लास्ट पॉइंट में जाएंगे सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो selling के खर्चे में देखते हैं सेलिंग के लिए सेल्समैन का सैलरी है नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स प्रिंटिंग और ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस तो कम पॉइंट्स होते हैं यूजुअली सेलिंग में देर कैन बी अदर पॉइंट्स सच एज एडवर्टाइजमेंट सेल्समैन रिलेटेड एनी पार्ट तो काफी सारे पॉइंट्स अलग से दिए जाएंगे सेल्समैन का सैलरी लिखेंगे सेल्समैन सैलरी इज फोर्टी टू थाउजेंड कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग इज टेन थाउजेंड ट्रेड फेयर एक्सपेंसिस इज अगेन टेन थाउजेंड इफ यू एड ऑल दिस थ्री गेट द टोटल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स एंड द टोटल कम्स टू सिक्सटी टू थाउजेंड ओके आफ्टर दैट हमें क्या करना है ट्वेंटी वन लैक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड में ये को प्लस करना है सो so, इनको क्या करना है इनको प्लस करना है। सेल्स we'll का पहले चेक कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है या सेल्स के बारे में द मैनेजमेंट द सेलिंग प्राइस एट द रेट हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट सो फाइनल सेल्स जो है दैट इज हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट तो ट्वेंटी वन लैख एटी थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एंड टेन परसेंट यूल गेट आंसर है सेलिंग प्राइस और सेल्स तो ट्वेंटी वन लैख एटी थ्री थाउजेंड का हंड्रेड एंड टेन परसेंट अगर आप ढूंढोगे तो दैट विल बी ट्वेंटी फोर लैख वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड दिस इज योर सेल्स टू आई एम राइटिंग ओवर हियर ट्वेंटी फोर लाख वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अगर हम ट्वेंटी फोर लैख वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड में से ट्वेंटी वन लैख एटी थ्री थाउजेंड को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड दैट विल बी टू लाख एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड दिस इज योर प्रॉफिट तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ कॉस्ट शीट वी हैव कवर्ड न्यू एडजस्टमेंट्स इन इट एंड होप आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर होगा तो जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स सोल्व करवाए हैं और आपको इसमें से कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे वो आप अपने पास नोट डाउन करके रखें ताकि जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपके पास कुछ नए पॉइंट्स भी रहेंगे जो आप एग्जाम से लिए रिवाइज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ और डिटेल और में पढ़ेंगे कौशिड चैप्टर को थैंक यू